आज का हमारा टॉपिक प्लेसेंटा प्रीविया है। प्लेसेंटा प्रीविया जो होता है वो APH एंटी पार्टम हेमरेज जिसको प्रसव पूर्व रक्तस्राव कहते हैं उसका सबसे सामान्य कारण है। तो सबसे पहले APH जो होता है वो क्या होता है, तो APH जो होता है वो प्रेगनेंसी के दौरान 28 सप्ताह जो है उसके बाद और सेकंड स्टेज की लेबर जो होता है जिसमें क्या होता है कि बच्चे की डिलीवरी होती है, मतलब बच्चे की डिलीवरी हो जाए उसके पहले यदि जेनिटल ट्रैक से किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग होती है तो उसको APH कहा जाता है। 28 सप्ताह के पूर्व यदि किसी प्रकार की ब्लीडिंग होती है तो उसको एबॉर्शन या गर्भपात कहते हैं। इसके बारे में हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं APH जो होता है एंटीपार्टम हेमरेज वो किन कारणों से होता है। तो एंटीपार्टम हेमरेज होने का कारण जो है उसमें एक तो प्लेसेंटल ब्लीडिंग होता है, मतलब प्लेसेंटा जो है वहाँ से किसी प्रकार की ब्लीडिंग हो, लगभग 70% APH जो है वो प्लेसेंटल ब्लीडिंग के कारण से होते हैं। प्लेसेंटल ब्लीडिंग जो है उसके दो कारण हो सकते हैं, एक तो प्लेसेंटा प्रीविया होता है, लगभग 57% APH जो है वो प्लेसेंटा प्रीविया के कारण से होता है। आज के वीडियो में हम प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जबकि दूसरा जो होता है वो एब्रप्शो प्लेसेंटा होता है, लगभग 14% जो है वो एब्रप्शो प्लेसेंटा के कारण से APH होता है। एब्रप्शो प्लेसेंटा का मतलब होता है प्लेसेंटा जो है वो समय से पूर्व सेपरेट हो जाती है, अलग हो जाती है, उसको ही एब्रप्शो प्लेसेंटा कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेकंड कारण अनएक्सप्लेन्ड कॉज होता है, लगभग 25% जो होता है ये कारण होता है। अनएक्सप्लेन्ड के अंदर जैसा कि प्री टर्म डिलीवरी होता है, लेबर जो है उसका एग्यूमेंटेशन या इंड्यूस किया जाता है उसके कारण से, या कोई एक्सीडेंटल ब्लीडिंग होती है, ये सब अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग के अंतर्गत आएगी। तीसरा होता है एक्स्ट्रा प्लेसेंटल ब्लीडिंग होता है, मतलब प्लेसेंटा के अलावा कहीं और से अगर ब्लीडिंग होती है तो वो एक्स्ट्रा प्लेसेंटल ब्लीडिंग हो जाएगी, लगभग 5% जो है वो एक्स्ट्रा प्लेसेंटल ब्लीडिंग होता है। एक्स्ट्रा प्लेसेंटल ब्लीडिंग का कारण जो होता है वो एक तो सर्वाइको वेजाइनल लीजन होता है, मतलब सर्विक्स और वेजाइना जो है उसमें किसी प्रकार का कोई लीजन है या घाव है उसके कारण से। एक सर्वाइकल पॉलिप होता है कि सर्विक्स जो होता है उसके अंदर पॉलिप बन जाए, मतलब एक टिश्यू का उभार बन जाता है, गठान बन जाती है उसके कारण से। एक कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, मतलब सर्विक्स जो है उसके अंदर कैंसर है तो उसके कारण से। एक सर्विक्स और वेजाइना जो है उसकी वेन जो होती है उसके अंदर वेरिकोसिटी हो जाती है या डायलेटेशन हो जाता है जिसको वेरिकोस वेन कहते हैं, तो उसके कारण से हो सकता है। एक लोकल ट्रूमा सर्विक्स और वेजाइना के अंदर किसी प्रकार की कोई चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो उसके कारण से हो सकता है। एक वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ द कॉर्ड, मतलब कॉर्ड जो इसका वेलामेंटस इंसर्शन हो तो उसके कारण से भी हो सकता है। इसके बारे में भी हम अलग से वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये तो APH जो होता है उसके कारण जो है वो हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम APH का सबसे कॉमन कॉज जो होता है प्लेसेंटा प्रीविया उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो प्लेसेंटा प्रीविया जो होता है वो होता क्या है, तो पार्शियल और कंप्लीट इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा ओवर द लोअर यूटेराइन सेगमेंट इज कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया। मतलब कि प्लेसेंटा जो है उसका आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर इम्प्लांटेशन होना, आरोपित होना, उस कंडीशन को ही प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। तो प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर क्या होता है कि प्लेसेंटा जो होता है वो मेनली लोअर यूटेराइन सेगमेंट जो होता है वहाँ पर स्थित होता है। सामान्यतः यूट्रस जो इसके दो पोल होते हैं, अपर सेगमेंट होता है और नीचे की तरफ सर्विक्स वाला लोअर सेगमेंट होता है। फर्टिलाइज्ड ओवम जो होता है वो फिर आता है यूटेराइन कैविटी के अंदर, तो उसके बाद अपर सेगमेंट जो होता है वहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है। यदि किसी कारण से वो वहाँ पर इम्प्लांट ना होकर लोअर सेगमेंट के अंदर इम्प्लांट हो जाए और या तो इंटरनल ओज जो है उसको कवर करता है, इंटरनल ओज जो उसके साइड में होता है, तो उस कंडीशन को ही प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। लोअर सेगमेंट में यदि प्लेसेंटा इम्प्लांट होता है तो उसके कारण से क्या होता है कि शुरुआत में तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब ब्लीडिंग वीडिंग नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है और प्रेगनेंसी के अंतिम टाइम आता है तो उस समय प्लेसेंटा की ग्रोथ जो होती है वो तो धीरे धीरे हो जाती है और लोअर सेगमेंट जो होता है उसके अंदर डायलिटेशन होता है। लोअर सेगमेंट में डायलिटेशन होने के कारण से उसमें खिंचाव आता है और खिंचाव होने के कारण से प्लेसेंटा जो होती है वो शेड अप हो जाती है, मतलब एंडोमेट्रियम से जो चिपकी हुई है वहाँ से वो अलग हो जाती है और वो अलग होने के कारण से यूटेरो प्लेसेंटल वेसल्स जो होते हैं वीनस साइनसेस कहते हैं वो ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं। वो खुलने के कारण से वहाँ से ब्लीडिंग होती है, रक्तस्राव होता है, तो उसी कंडीशन को प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। लगभग 1/3 केस होते हैं APH के वो प्लेसेंटा प्रीविया जो है उसके कारण से होते हैं। इसके अलावा मल्टीपेरस वुमन जो होता है, मतलब ऐसी महिलाएं जो बार बार गर्भधारण करती है, तो उनमें लगभग होने की संभावना ज़्यादा रहती है, लगभग 80% ये मल्टीपेरस वुमन के अंदर होता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जैसे 35 वर्ष से अधिक आयु है यदि महिला की, तो उसमें भी प्लेसेंटा प्रीविया होने की संभावना ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट, प्लेसेंटा प्रीविया जो उसके कॉज के किन कारणों से होता है, तो प्लेसेंटा प्रीविया होने का एग्जैक्ट मतलब वास्तविक कारण जो है वो तो क्लियर नहीं है कि किन कारणों से इसका इम्प्लांटेशन लोअर सेगमेंट के अंदर होता है, वो इतना क्लियर नहीं है। यहाँ पर कुछ थ्योरी जो है वो दी गई है। थ्योरीज के अंदर एक तो ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी होता है।
ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी के अंदर क्या होता है कि फर्टिलाइजर ओम जो होता है वो ड्रॉप होकर लोअर सेगमेंट के अंदर आ जाता है और वहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है। अब लोअर सेगमेंट में आने का कारण जो होता है वो फर्टिलाइजर ओम जो है वो यूट्रस के अंदर या तो जल्दी आ जाता है या देरी से आता है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस टाइम पर यदि आता है तो वहाँ पर क्या होता है इम्प्लांट होगा। लेकिन यदि क्या होता है कि फर्टिलाइजर ओम जो होता है वो या तो समय से पूर्व आ गया जब ट्रोपोप्लास्ट जो है उसका विकास ही नहीं हुआ और आ गया, या फिर ट्रोपोप्लास्ट का विकास हो गया है और बाद में यदि आता है तो उस कारण से वहाँ पर इम्प्लांट नहीं हो पाता और ड्रॉप होकर वो लोअर सेगमेंट के अंदर आ जाएगा और लोअर सेगमेंट में आने के बाद वो लोअर सेगमेंट जो है वहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है और उसके बाद वहाँ पर प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होगा। तो एक थ्योरी तो ये होगी। दूसरी थ्योरी जो होती है वो डेसिडुआ कैप्सुलरिस होती है। डेसिडुआ कैप्सुलरिस जो होती है वो फर्टिलाइजर ओम होता है, ब्लास्टोसिस्ट उसके सबसे आउटर लेयर होती है और वहाँ से ही क्या होता है प्लेसेंटा जो होता है उसका विकास होता है। यदि किसी कारण से क्या हो जाए कि ये डेसिडुआ कैप्सुलरिस जो है उसकी जो कोरियोनिक विलाई लेयर जो होती है उसके लोअर पार्ट में यदि प्लेसेंटा का विकास होता है तो उस कारण से भी वहाँ पर इम्प्लांट नहीं हो पाएगा और घिर के वो क्या हो जाएगा लोअर सेगमेंट के अंदर आ जाएगा और उसके बाद वहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगा और प्लेसेंटा प्रीविया होगा। तीसरा डिफेक्टिव डेसिडुआ होता है। डेसिडुआ जो होता है वो प्रेग्नेंट यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है इनर लेयर उसको कहा जाता है। तो किसी कारण से डेसिडुआ जो है उसके अंदर किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट है, डिफेक्ट होने का कारण या तो कोई इन्फेक्शन हो सकता है या फिर कोई डिसीज कंडीशन हो सकती है। जब डिफेक्ट होता है तो क्या होता है कि ऑर्गेनिक विलाई जो होती है वो बड़े एरिया के अंदर फैल जाती है, तो बड़े एरिया के अंदर फैलने के कारण से भी प्लेसेंटा जो है वो लोअर सेगमेंट के अंदर इम्प्लांट हो सकता है, एक तो ये कारण हो जाएगा। चौथा बिग सरफेस एरिया ऑफ द प्लेसेंटा एज इन ट्विंस, मतलब प्लेसेंटा जो है उसका सरफेस एरिया जो बहुत बड़ा है, बड़ा होने का कारण जो होता है ट्विंस जो होते हैं मतलब जुड़वा बच्चे हैं, जुड़वा बच्चों में प्लेसेंटा की साइज जो होता है वो बड़ी होती है, बड़ी साइज होने के कारण से भी प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन जो होता है वो लोअर सेगमेंट के अंदर हो सकता है। तो ये तो इसके कॉज जो है वो हो जाएंगे। नेक्स्ट इसके रिस्क फैक्टर या जोखिम फैक्टर, मतलब कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो प्लेसेंटा प्रीविया की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं, जिससे एक तो मल्टीपेरिटी होता है कि बार बार गर्भधारण, बार बार गर्भधारण करने के कारण से प्लेसेंटल की साइड जो होती है उसमें स्कार टिश्यू बन सकता है और स्कार टिश्यू बनने के कारण से भी वहाँ पर इम्प्लांटेशन जो है वो नहीं होगा और इम्प्लांटेशन फिर लोअर सेगमेंट के अंदर हो जाएगा। सेकंड इंक्रीज मैटरनल एज होती है, जैसे जैसे मदर की आयु बढ़ती जाती है डेसिडुआ जो होता है मतलब एंडोमेट्रियम जो उसके अंदर चेंजेस आते हैं उसमें डिफेक्ट आ जाता है और उस डिफेक्ट के कारण से भी इम्प्लांटेशन जो है वो नहीं हो पाता और प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। तीसरा हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सीजरन सेक्शन एंड स्कार टिश्यू इन यूट्रस, मतलब कि कोई महिला जो है उसको पहले सीजरन सेक्शन हुआ है तो सीजरन सेक्शन होने के कारण से वहाँ पर स्कार टिश्यू जो होता है उसका विकास हो जाएगा और स्कार टिश्यू विकास होने के कारण से डेसिडुआ जो होती है वो डिफेक्टिव हो जाएगी और उसके कारण से वहाँ पर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा और एक कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। अगला एबनॉर्मल प्लेसेंटल साइज जो है, मतलब प्लेसेंटा जो है उसकी साइज जो है वो असामान्य है, जैसे सक्सिनटोरिएट लोब होता है एक्स्ट्रा लोब या एक्स्ट्रा कोटिलेडोन है तो उसके कारण से प्लेसेंटा की साइज जो है बढ़ जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो प्लेसेंटा की साइज बड़ी होगी तो उसके कारण से उसका इम्प्लांटेशन लोअर सेगमेंट के अंदर हो सकता है। एक प्रीवियस प्लेसेंटा प्रीविया, मतलब ऐसी कोई महिला है उसको पहले प्लेसेंटा प्रीविया हो चुका है तो पहले होने का कारण डेसिडुआ जो उसके अंदर किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट है या खराबी है वो हो सकता है, तो सेकंड टाइम भी वहाँ पर क्या हो सकता है इम्प्लांटेशन होने में दिक्कत आ सकती है और उसके कारण से भी लोअर सेगमेंट के अंदर इम्प्लांटेशन हो सकता है और प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। एक स्मोकिंग होता है या धूम्रपान होता है, स्मोकिंग के कारण से क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान यदि स्मोकिंग करती है कोई महिला उसके कारण से प्लेसेंटा जो होती है उसमें हाइपरट्रोफी हो जाती है, प्लेसेंटा का आकार जो है बढ़ जाता है और प्लेसेंटा का आकार बढ़ने के कारण से भी वो लोअर सेगमेंट जो है उस वहाँ पर इम्प्लांट हो सकती है और प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। ये तो प्लेसेंटा प्रीविया के रिस्क फैक्टर जो है वो हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्लेसेंटा प्रीविया जो इसके टाइप क्या कितने प्रकार का होता है या डिग्री जो है वो कौन से होती है, तो प्लेसेंटा प्रीविया जो इसके प्रकार अगर देखते हैं तो उसमें एक तो टाइप फर्स्ट होता है, फर्स्ट डिग्री होता है, लो लाइंग प्लेसेंटा होता है। इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा जो है उसकी लोअर मार्जिन जो होती है वो लोअर सेगमेंट के ऊपर होती है, इसमें इंटरनल ऑस जो होता है वो कवर नहीं करता है, वो ओपन रहता है। सेकंड होता है टाइप सेकंड होता है, सेकंड डिग्री होता है, ये मार्जिनल होता है। इसमें क्या होता है प्लेसेंटा जो है वो इंटरनल ऑस की जो मार्जिन जो होती है मतलब किनारे जो है वहाँ तक फैला हुआ रहता है, मतलब वहाँ तक पहुँच जाता है, तो सेकंड डिग्री हो जाएगा। एक टाइप थर्ड डिग्री होता है, इनकम्प्लीट होता है। इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा जो होता है वो इंटरनल ऑस जो है उसको कवर किया होता है, मतलब उसके ऊपर होता है, लेकिन ये 4 सेंटीमीटर तक का डायलेटेशन होता है तब तक ही कवर करता है। यदि सर्विस का डायलेटेशन 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है तो फिर वो इंटरनल ऑस जो है उसको कवर नहीं करता।
करता है, तो वो थर्ड डिग्री जो है वो हो जाएगा। एक टाइप फोर्थ होता है, फोर्थ डिग्री होता है जिसको सेंट्रल कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये प्लेसेंटा जो होता है वो इंटरनल उसको पूरी तरह से कवर किया होता है। इवन फुल डायलेटेशन यदि हो जाता है, 10 सेंटीमीटर का डायलेटेशन है उसके बाद भी वो इंटरनल ओस जो उसको कवर की हुई होती है तो उसको ही सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। इसके अलावा एक और टाइप होता है, डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया होता है, ये टाइप सेकंड जो है वो होता है। इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा प्रीविया जो होता है वो पोस्टियर होता है, मतलब इम्प्लांटेशन जो होता है वो यूट्रस की पोस्टियर सरफेस जो होती है वहाँ पर होता है। ये डेंजरस होता है, खतरनाक होता है। खतरनाक होने का कारण क्या होता है कि एक तो क्या होता है कि प्लेसेंटा जो है उसकी जो मेजर थिकनेस जो होती है जो सेंटर में बहुत मोटा होता है, तो मोटा प्लेसेंटा जो होता है वो सेक्रल प्रोमोन्टरी जो है उसके ऊपर होता है, और उसके ऊपर होने के कारण से इनलेट जो होता है उसका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है वो क्या होता है कम हो जाता है, और उसके कारण से ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर जो है वो होने की संभावना ज़्यादा रहती है। सेकंड, यदि वेजनल डिलीवरी अलाउ की जाती है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि प्लेसेंटा जो है वो कंप्रेस हो सकता है। प्लेसेंटा कंप्रेस होने के कारण से फिटल डिस्ट्रेस जो है वो कंडीशन उत्पन्न हो सकते हैं, फिटस को ब्लड बराबर नहीं मिलेगा, उससे फिटल डिस्ट्रेस के कंडीशन उत्पन्न हो सकते हैं। तीसरा कारण, पोस्टर सरफेस पर यदि होता है तो उसके कारण से कोड कंप्रेशन हो सकता है या कोड प्रोडक्ट हो सकता है। इन कारणों से पोस्टर प्लेसेंटा प्रीविया जो इसको डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। तो ये तो प्लेसेंटा प्रीविया जो उसके टाइप जो है वो हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्लेसेंटा प्रीविया के साइन एंड सिम्टम। प्लेसेंटा प्रीविया में जो सिम्टम दिखाई देते हैं उसमें एक तो वेजनल ब्लीडिंग होती है। वेजनल ब्लीडिंग होने का कारण पहले ही बात कर चुके थे कि नॉर्मली क्या होता है कि शुरुआत में तो किसी प्रकार की कोई ब्लीडिंग नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी लेट होती है, लास्ट वीक के अंदर जाती है, तो अब क्या होता है कि लोअर सेगमेंट जो उसके अंदर स्ट्रेचिंग होती है, और उस स्ट्रेचिंग के कारण से प्लेसेंटा जो होती है वो शेड अप हो जाती है, मतलब वहाँ से पृथक हो जाती है। वहाँ से पृथक होने के कारण से वीनस साइनस जो होते हैं वो खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, और वहाँ से ब्लीडिंग होती है। इसमें ब्लीडिंग जो होती है वो अचानक से होती है, पेनलेस होती है, मतलब दर्द रही तो किसी प्रकार का कोई दर्द जो है वो नहीं होता है। कॉजलेस होता है, मतलब इसके पीछे कोई कारण भी नहीं होता है, मतलब अपने आप ही हो जाती है। और रिकरेंट होती है, रिकरेंट मतलब बार बार होती रहती है। एक बार थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, फिर ब्लीडिंग जो होती है वो रुक जाती है, कुछ समय बाद या कुछ इंटरवल के बाद वापस ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग जो होती है वो ज़्यादातर कुछ घंटे से लगाकर दिन के इंटरवल के अंदर होती है। एक बार जैसे जैसे स्ट्रेचिंग होती है ब्लीडिंग होगी, उसके बाद ब्लीडिंग जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, फिर कुछ समय बाद वापस लोअर सेगमेंट के अंदर स्ट्रेचिंग खिंचाव होगा, वापस थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है। मतलब ब्लीडिंग जो होती है वो इंटरवल के अंदर होती है। इसके अलावा ब्लीडिंग जो होती है वो उसका एक्टिविटी जो होती है उससे कोई संबंध नहीं होता है। इवन ड्यूरिंग स्लीप के अंदर, मतलब व्यक्ति महिला जब सोई हुई है उस दौरान भी ब्लीडिंग जो है वो हो सकती है। ब्लीडिंग जो होती है वो सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया जो होता है टाइप फोर्थ जो होता है उसके अंदर तब तक नहीं होती जब तक कि लेबर जो वो स्टार्ट नहीं हो जाता है। मतलब कि शुरुआत में उसमें ब्लीडिंग नहीं होती है, लेबर जैसे स्टार्ट होता है उस समय इसमें ब्लीडिंग जो होता है वो होना शुरू होता है। ये तो सिम्टम जो है वो हो जाएंगे। दूसरा साइन अगर देखें प्लेसेंटा प्रीविया के, तो उसमें एक तो एनीमिया होता है। एनीमिया जो होता है वो डिपेंड करता है हेमरेज के ऊपर कि ब्लीडिंग कितनी हो रही। यदि ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो उस महिला के अंदर खून की कमी हो जाएगी, उसके कारण से हीमोग्लोबिन लेवल कम होगा और एनीमिया की कंडीशन दिखाई देगी। एक सेकंड शॉक होता है, शॉक भी ब्लीडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। यदि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो महिला के अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी और महिला जो होती है वो हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर चली जाएगी। एक यूट्रस जो होता है इसमें रिलैक्स और सॉफ्ट फील होता है और नॉर्मल फील होता है, मतलब यूट्रस के अंदर किसी प्रकार का कोई चेंजेस जो नहीं आते। फिटल हार्ट साउंड जो होते हैं वो भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं, एक्सेप्ट प्लेसेंटा सेपरेट नहीं होती है। मतलब यदि प्लेसेंटा सेपरेट नहीं हुई है तो फिटल हार्ट साउंड जो सुनाई देते हैं। यदि प्लेसेंटा जो सेपरेट हो गई है तो फिर फिटल हार्ट साउंड जो होते हैं वो सुनाई नहीं देते। एक वल्वल इंस्पेक्शन करने पर वहाँ पर क्या मिल सकते हैं, एक्टिव ब्लीडिंग और ब्लड के क्लॉट जो है वो मिल सकते हैं। तो ये तो इसके साइन एंड सिम्टम जो है वो हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्लेसेंटा प्रीविया का डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। प्लेसेंटा प्रीविया के डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में एक तो सोनोग्राफी जो है वो की जाती है। सोनोग्राफी के द्वारा प्लेसेंटा जो है वो कहाँ पर इम्प्लांट हुआ है उसका पता लगाया जाता है। सेकंड आर्टेरियोग्राफी की जाती है। आर्टेरियोग्राफी जो होती है वो 28 से 32 सप्ताह के बीच में की जाती है। थर्ड प्लेसेंटोग्राफी की जाती है। प्लेसेंटोग्राफी जो होती है वो 33 सप्ताह के बाद की जाती है। एक रेडियोग्राफी की जाती है, हालांकि रेडियोग्राफी रेयरली यूज़ करते हैं। इसमें रेडियो आइसोटोप जो होता है वो इंजेक्ट करते हैं और इंजेक्ट करने के बाद वास्कुलर प्लेसेंटल साइट जो है उसका पता लगाया जाता है। ये तो इसका डायग्नोस्टिक वैलिडेशन जो है वो हो जाएगा।
नेक्स्ट है इसका नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में एक तो पेशेंट जो इसको कंप्लीट बेड रेस्ट जो है वो देना है, एक मॉर्फिन जो होता है वो दी जाती है। मॉर्फिन जो होती है वो स्लीप को इंड्यूस करने के लिए, ताकि उसको नींद आ जाए और नींद आने के कारण से उसमें मूवमेंट जो होगी वो कम होगी, ब्लड का लॉस कम होगा। एक ब्लड लॉस कितना हो रहा है उसका पता लगाना, उसको असेस करना। एक पेशेंट जो है उसको लगातार ही वॉच करते रहना कि उसके अंदर शॉक का कोई साइन तो नहीं दिखाई दे रहा। एक पेशेंट जो उसके वाइटल साइन जो है उसको मॉनिटर करते रहना। अगला पेशेंट जो है उसकी यूरिन का एग्जामिनेशन करवाना, यूरिन की जांच करवानी है। यूरिन की जांच विशेष करके एल्बुमिन जो है उसके लिए यूरिन की जांच करवानी है। एक पर्वेजनल एग्जामिनेशन होता है पीवी, वो इसमें बिल्कुल ही मना होता है, मतलब किसी भी कंडीशन में पीवी जो है वो इसमें अवॉइड की जाती है। एक पेशेंट को यदि आवश्यकता पड़ती है तो उसको घर में रखा जाता है, पेशेंट को कवर करके रखा जाता है। एक एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जो है वो किया जाता है, और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करके माल प्रेजेंटेशन जो है, पोजीशन जो होता है, इंगेजमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, यूट्रस में कोई टेंडरनेस तो नहीं है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कितने आ रहे हैं, फिटल हार्ट साउंड कितना है, इत्यादि को जांच करनी है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया जाता है वो जेंटली किया जा सकता है, मतलब आराम से या हल्के हाथों से किया जाता है, फोर्सफुल इसमें एब्डोमिनल एग्जामिनेशन नहीं किया जाता। एक पेशेंट जो है उसमें आईवी लाइन स्टार्ट करनी है और ब्लड का सैंपल लेना है, और सैंपल लेने के बाद उसकी जांच के लिए भेज देना है। इसमें आरएच फैक्टर जो है, क्लॉटिंग टाइम है, बीटिंग टाइम है, ब्लड ग्रुपिंग है, हीमोग्लोबिन लेवल है, इत्यादि की जाँच करवाई जाती है। अगला स्टार्ट आईवी फ्लूड। आईवी फ्लूड जो है वो स्टार्ट किया जाता है, यदि पेशेंट जो है वो एनीमिक है तो उसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की व्यवस्था करनी है। यदि आवश्यकता पड़ती है तो ऑक्सीजन जो है उसको स्टार्ट कर देना है। एपीएच के अंदर पीवी जो होता है वो अवॉइड होता है, लेकिन 2 से 3 दिन बाद कॉज जो है वो पता लगाने के लिए एक स्पेकुलम एग्जामिनेशन जो होता है वो किया जाता है। एक पेशेंट जो इसको बैलेंस डाइट जो होती है वो देनी है। यदि पेशेंट जो है उसमें लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं तो तुरंत ही डॉक्टर को इन्फॉर्म करना, और पेशेंट जो होता है उसको सीजेरियन सेक्शन के लिए तैयार करना है, क्योंकि प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर लबल लबल सीजेरियन सेक्शन जो है वो किया जाता है, तो सीजेरियन सेक्शन के लिए पेशेंट जो उसको प्रिपेयर करना है। कि ये तो नर्सिंग मैनेजमेंट जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लेसेंटा प्रीविया की कॉम्प्लिकेशन, किसके कारण से क्या जटिलताएँ आ सकती है। तो माँ के अंदर यदि देखिए तो एक तो शॉक में जा सकती है कि ब्लड लॉस होगा, और ब्लड लॉस होने के कारण से ब्लड की कमी हो जाएगी और उसके कारण से वो शॉक में जा सकती है। एक माल प्रेजेंटेशन हो सकता है, वर्टेक्स की जगह ब्रीच या ट्रांसफर प्रेजेंटेशन इसमें हो सकता है। अगला प्रीमेचर लेबर, मतलब समय पूर्व प्रसव जो है उसकी संभावना ज़्यादा रहती है। एक अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन जो है वो समय से पूर्व रप्चर हो सकती है। एक एटोनिक पोस्टपार्टम हेमरेज जो है वो होने की संभावना भी इसमें ज़्यादा रहती है। कॉर्ड प्रोलैप्स जो है, जिसमें कॉर्ड पहले आ जाती है तो उसकी संभावना ज़्यादा रहती है। एक सर्विक्स जो इसका डायलेटेशन जो होता है वो बहुत ही स्लो हो सकता है। इसके अलावा इंट्रापार्टम हेमरेज हो सकता है, मतलब लेबर के दौरान ब्लीडिंग जो है वो हो सकती है। एक रिटर्न प्लेसेंटा हो सकता है, कि प्लेसेंटा कुछ भाग जो है वो यूट्रस के अंदर रह जाता है, उसको रिटर्न प्लेसेंटा कहते हैं। इसके अलावा पुपेरल सेप्सिस हो सकता है, लोअर सेगमेंट इम्प्लांट होने के कारण से वहाँ पर इन्फेक्शन की संभावना ज़्यादा रहती है, तो डिलीवरी के बाद उसको सेप्सिस मतलब इन्फेक्शन जो है वो होने की संभावना रह सकती है। इसके अलावा डेथ जो है वो हो सकता है, कि बहुत ज़्यादा यदि रक्तस्राव होता है तो उसके कारण से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा फिटस जो होता है उसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। फिटस में कॉम्प्लिकेशन, एक तो वजन जो है उसका कम हो सकता है, LBW बच्चा हो सकता है। एक बर्थ एस्पेक्सिया हो सकता है बच्चे के अंदर, मतलब बच्चे की सांस की गति जो है वो रुक सकती है। इंट्रायूटराइन डेथ जो है IUD वो भी हो सकता है, इसके कारण से क्या प्लेसेंटा कंप्रेस होता है और उसके कारण से फिटस को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, ब्लड नहीं मिल पाता, और उसके कारण से फिटस जो है उसकी डेथ हो सकती है। इसके अलावा प्रॉपर ब्लड नहीं मिलने के कारण से फीटस के अंदर कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन, मतलब जन्मजात विकृति जो है वो भी आ सकती है। ये तो प्लेसेंटा प्रीविया जो है उसके कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। लास्ट टाइम प्लेसेंटा प्रीविया जो उसके प्रिवेंशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर कोई भी प्लेसेंटा प्रीविया का प्रिवेंशन नहीं है। प्लेसेंटा प्रीविया जो है उसके अंदर एक तो रेगुलर ANC चेकअप किया जाता है, ताकि प्लेसेंटा प्रीविया का एंटीनेटली जल्दी से जल्दी पता लगाया जा सके। एक एंटीनेटल डायग्नोसिस किया जाता है, मतलब प्लेसेंटा प्रीविया का एंटीनेटली डायग्नोस कर लिया जाता है, तो उसके हिसाब से प्रिपरेशन रहता है। इसके अलावा स्मोकिंग और ड्रग जो होती है उसको अवॉइड किया जाता है, क्योंकि वो प्लेसेंटा प्रीविया जो है उसकी संभावना को बढ़ा सकते हैं। तो ये तो इसका प्रिवेंशन जो है वो हो जाएगा, और ये था प्लेसेंटा प्रीविया जो है वो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एब्रुप्शो प्लेसेंटा जो है उसके बारे में बात करेंगे। एंटीपार्टम हेमरेज जो है उसका कॉमन मैनेजमेंट जो होता है उसको हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। नर्सिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।